गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है आधा घंटे पहले। तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी योगा, जो कि मैं आधा घंटे करूँगी। एंड योगा में सबसे पहले करूँगी मैं स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, काम तो सारे दिन के होते हैं, पर मैं तो ये ही कहूँगी कि सभी को आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज कुछ करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या हम तो कुछ जल्दी उठ जाते हैं। क्या हम बुबू पियोगे? हाँ तो अब योगा करने के बाद मशीन लगा रखी है एंड योगा करने के बाद जा रही हूँ मैं अपना काढ़ा बनाने के लिए, जो कि कुछ ऐसे है। ये मैंने केटल में पानी लिया है, क्योंकि हम 2-3 लोग पियेंगे तो उसकी पानी की क्वांटिटी मैंने इतनी रखी है। ये मैंने लिया है पुदीना, जो कि सूखा हुआ था। ये जीरा है, ये दालचीनी है एंड ये तुलसी है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें दो बॉयल आ जाएंगे। जब दो बॉयल आ जाएंगे तब उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद एक एक कप इसको एज ए हर्बल टी के तरीके से हम लोग लेंगे। और मम्मी ने गेहूं धो रखा था, काफ़ी स्टोर कर रखा था, तो आज उसी को भर रहे हैं। पाठ के चाचा लाते हुए और मैं ये कपड़े ऊपर सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ, जिसमें मदद करेंगे पाठ के चाचा। दोस्तों, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा और मैं कपड़े सुखाने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता और नाश्ते में आज बनाऊंगी मैं पोहा। तो 1-2-3 करते हुए जाओ जैसे मैंने सिखाया है। चलो चलो। हाँ। तो दोस्तों, अगर मैं इसको सीढ़ियों पे से उतारती हूँ तो ऐसे काउंटिंग कराती हुई जाती हूँ 1-2-3-4, तो ये अब अपना आप भी उतरता है ना, तो ऐसे ही करता है। और ये देखो मेरा गुड़ल कितना अच्छा हो रहा है। बोतल का इस्तेमाल किया था, उसमें ये फुलवारी कितनी सुंदर हो रही है। और इसको मैंने रेलिंग पे ऐसे कुछ हैंग किया हुआ है, देखो कितना सुंदर प्लांट हो रहा है। तो गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं और इस टाइम होता है चाय का टाइम। और चाय में मसाला चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले पूछ लेते हैं कि चाय कौन कौन पिएगा। तो सबसे पहले तो पार्थ के चाचा से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, चाय पियोगे? यस। ओके, तो बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन है। मम्मी चाय ले आऊँ? पार्थ, आपके लिए चाय ले आऊँ? आपके लिए चाय ले आऊँ? पार्थ भी बहुत खुश हो जाता है चाय के लिए। और अब उसके चाचा वगैरह अगर पीते हैं चाय तो वो कहना, चाचा प्लीज़ थोड़ी सी चाय दे दो, ऐसे करके कहने लगा है। और ये देखो क्या कैसे बाइक पे घूम रहा है, ये बच्चे धूप भी नहीं देखते। तो दोस्तों, केटल मैंने रख दिया है और इसमें मैं ये एक कटोरी पानी चढ़ाऊँगी एंड फ्लेम ऑन कर देती हूँ पहले। और मसाला चाय के लिए आपका तो पता नहीं मैं क्या क्या लेती हूँ। देखो, इसमें मैंने ये दालचीनी ली है और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 काली मिर्च ली हैं एंड ये देखो मैं पास से दिखा रही हूँ, लौंग ली है और सौंफ ली है तो, और ये हरी इलायची ली है, आई थिंक आपको दिख रही होगी, ये हरी इलायची ली है। तो ये सारी आज मसाला चाय में जाएंगी और उसके साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स होगा, जिसके लिए मैंने तेल चढ़ा रखा है। चाय में डालते हैं हम चाय की पत्ती
बाद चीनी, क्योंकि चाय सबके लिए बन रही है तो चीनी भी ठीक ठाक ही पियेंगे। तो दोस्तों ये मसाला मैंने कूट लिया था इसमें। तो दोस्तों ये चाय बॉयल हो चुकी है और इसमें डालते हैं अब हम दूध। तो दोस्तों ये है मेरे साबूदाने और आलू के पापड़ जो कि मैंने घर पे ही बनाए थे और इनको मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। तो दोस्तों बहुत अच्छे बन रहे हैं जैसा कि मैं सोच रही थी और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बनाना पापड़। नमक पारे जो होते हैं वो हैं ये मुझे इतना चाय के साथ, मतलब खाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। पारे भी बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और अब मैं सबको सर्व करती हूँ चाय। तो मिलते हैं चाय पर। मम्मी कैसी बन रही है चाय? नहीं हाँ, कैसी बनी? तो दोस्तों सबके चाय देने के बाद अब चाय पीने की बारी मेरी है और टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बनी है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीनी ठीक है, पर पापा और मम्मी ने तो कम ही बताई होगी, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। एंड पता है मैं ना अपनी फैमिली को सारी को एकदम इकट्ठा करके और एक साथ अगर चाय सर्व करूँ या उनको नाश्ता खाना ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए मुझे कब दो चाय इस रूम में, दो चाय इस रूम में, दो चाय उस रूम में ऐसे देनी होती हैं। तो मतलब हर घर का अलग अलग कहानी होती है, तो सो ऐसी ही मेरे घर की है। तो मतलब अभी सब चाय का आनंद ले रहे हैं। चाचा जी तो बहुत अच्छे चिप्स भी बता रहे थे, मतलब सॉरी पापड़ भी बता रहे थे। ये पापड़ मैंने परसों ही बनाए थे और तेज़ धूप है तो कल तक कंप्लीट हो गए थे। और अगर इनको आप जैसे कहीं पर धूप नहीं आती है, फ्लैट सिस्टम होता है, तो अगर फ़ैन में भी सुखा सकते हो, पर उसके लिए 4 दिन लगेंगे। मतलब 4 दिन फ़ैन चला के तब आप इनको कंप्लीट कर सकते हो, पर बन के बहुत टेस्टी लगते हैं। क्या शरारत करके आए हो जल्दी बता दो मुझे, हैं? तस्वीरें उतरवाई हैं ना पापा से? तो दोस्तों मैं तुम्हें कमरे में जाके बताती हूँ कि क्या शरारत करते हैं, क्योंकि पापा भी उस कमरे में से निकल चुके हैं और पूछो मत, ये बच्चे जो भी कहते हैं ना तो पापा और चाचा जी वो ही मतलब कर देते हैं। तो इससे थोड़ी सी मम्मी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि अब मैं दिखाती हूँ कि इस कमरे में ये करते क्या हैं। तो मम्मी लेके आई थी ऊपर से कपड़े, एक दिन छोड़ के एक दिन हम मशीन लगाते हैं, तो एक उस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो फाइनली बस अब ये ही बचे थे तय लगाने के लिए। और जो मैं दिखाना चाह रही थी ना आपको, ये देखो, ये तस्वीरें पार्थ और क्यान की वजह से उतरती हैं कि बाबा ये दिखाना हमें उतार के, बाबा ये क्या है, ये कैसे टंगती है ऐसे करके। और ये टेडी देखो, ये पार्थ जब हुआ था तो मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था, और इसको मम्मी ने कम से कम 10 बार पॉलोथीन चढ़ा ली है क्योंकि मम्मी गंदा नहीं होने देती है। तो मतलब इनको उतरवाते रहेंगे। और पापा और चाचा जी का तो ये है कि जो ये बच्चे कह देंगे ना वो ही उनको करना है। तो मम्मी अब इनको टांगेंगी। चलो मम्मी क्या टांगेंगी, मैं ही भैया से कह के इनको टंगवा देती हूँ, ना तो मम्मी फिर गुस्सा हो जाएंगी। और ये देखो, इन्हें अपनी मतलब सेहत से इतना प्रेम है, जो कि होना भी चाहिए, कि इनकी एक्सरसाइज देख के मुझे चिढ़न होती है कि मैं क्यों नहीं करती। मैं जल्दी से जल्दी जाऊँगी कि ये भी मेरी तरफ बिजी हो जाए, फिर बताती हूँ कैसे फिट रहा जाता है। खैर मजाक कर रही थी सेहत के प्रति तो सबको। तो ये देखो, ये इस तरीके से काम बढ़ाते हैं ये लोग। देखो अब चाचा टांग रहे हैं, भैया ऊपर चढ़ के टांग दो, मैं फैन बंद कर देती हूँ। ऐसे ही काम करते हो ना तुम लोग? ना। किसने उतारा था इसको? उतारा था। पार्थ का ये हाल है कि जो अभी उसको लगता है ना गड़बड़ कराया, वो अनु ने कराया। अनु मीन्स उसकी बुआ ने कराया। लो देखो दोस्तों, देखो इस लड़के के काम, देखो ये शैतानियां आ गई हैं इसमें। क्या कर रहे हो आप, हैं क्या कर रहे हो आप? चाचू को काम करने दो। देखो ये रोज का दोस्तों काम है, और पापा और चाचा जी रोज, अगर ये बच्चे यूं कहें ना कि बाबा अपनी छत पे ना एरोप्लेन
लैंड करा दो तो वो ही करा देंगे। चलो हो गया हो गया। उतरो नीचे। ओ बेटी वेलकम तो बोल दो। वेलकम थैंक यू।